हेलो टू एवरीवन, ऑप्टिमस प्राइम क्लासेज में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हमारी जनरल अवेयरनेस की एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, तो आज हम सेट टू करने वाले हैं। यूपी लेखपाल हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी टू हो, एसएससी हो, आईसीएआर हो, कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हैज़ गॉट द हाइएस्ट लिटरेसी रेट। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी को है जो हाइएस्ट लिटरेसी रेट है? ए कोची, बी ऐजवाल, सी चेन्नई या डी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऐजवाल जो है वो फर्स्ट पे है और कोची जो है वो सेकंड पे था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और स्टेट की बात करें तो केरला जो है वो हाइएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट था। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं है? खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, बी एलोरा केव्स, सी राजघाट या डी रानी की वाव। तो ऑप्शन सी राजघाट जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज द बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? ए लखनऊ, बी दार्जिलिंग, सी कोलकाता या डी हैदराबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोलकाता। फोर्थ है, ऑन विच रिवर हैज़ नर नारायण सेतु बीन बोल्ट। नर नारायण सेतु कौन सी नदी के ऊपर है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी या डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवल ऑफिस। ओवल ऑफिस क्या है? अ प्लेस वेयर इंग्लैंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इज हेडक्वार्टर। जहाँ इंग्लैंड का कंट्रोल बोर्ड है वो उसका हेडक्वार्टर ओवल ऑफिस कहलाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग रूम को ओवल ऑफिस कहते हैं। द पर्सनल ऑफिस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट के पर्सनल ऑफिस को ओवल ऑफिस कहते हैं। या फिर द प्लेस वेयर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड गिव पर्सनल ऑडियंस। जहाँ क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है पर्सनल ऑडियंस से मिलती हैं या स्पीच देती हैं वो ओवल ऑफिस कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो यूएस के प्रेसिडेंट का पर्सनल ऑफिस है उसे हम ओवल ऑफिस कहते हैं। क्वेश्चन सिक्स है, द लैंडमाइन ट्रीटी बिकम अ ग्लोबल लॉ इन सितंबर 1998 विद द अप्रूवल ऑफ। ए नॉर्वे, बी पेरिस, सी थाईलैंड या डी इथोपिया। तो लैंडमाइन ट्रीटी जो थी 1998 को एक ग्लोबल लॉ किसके अप्रूवल से बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इथोपिया। 17th क्वेश्चन है, लिएंडर पेस एंड महेश भूपति वॉन टू डबल ग्रैंड स्लैम इन 1999, विच वर दे। ए ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन, बी फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन, सी विंबलडन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन या डी यूएस ओपन एंड फ्रेंच ओपन। तो महेश भूपति और लिएंडर पेस ने 1999 में जो दो ग्रैंड स्लैम जीते थे वो थे ऑप्शन बी फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन। 8th है, हु क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसमिसल इन टेस्ट क्रिकेट एज अ विकेट कीपर। ए मार्क बाउचर, बी एम एस धोनी, सी इयान हेली या डी एडम गिलक्रिस्ट। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डिसमिसल का जो रिकॉर्ड है वो है ऑप्शन ए मार्क बाउचर, जो कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर थे। इन्होंने 555 डिसमिसल किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ऑप्शन ए मार्क बाउचर बिल्कुल सही जवाब है। 9th क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किसने इन्वेंट किया? ए सैमुअल कोहन, बी नैन्द कपैनी, सी पारसी एल स्पेंसर या डी टी एच मेमा। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इन्वेंट किया था। इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है। 10th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रीओन्ड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। ए परवीन सुल्ताना, बी प्रोफेसर टी एन कृष्णा, सी राम किनकर या डी राजा रवि वर्मा। तो पेंटिंग के लिए जो जाने जाते हैं वो हैं ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। और इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है रंग रसिया, जिसे रणदीप हुड्डा ने इस एक्ट किया था। 11th क्वेश्चन है, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट कम अप इन द ओपन एट द सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर। जो हम नरम दल और गरम दल के बीच जो स्प्लिट हुआ था वो सूरत कांग्रेस सेशन का, वो कौन से वर्ष हुआ था? 1906, 1907, 1905 या 1943। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1907। 12th क्वेश्चन है, सेंट थॉमस इज सेट टू हैव
come to India to propagate Christianity during the reign of Saint Thomas, भारत में Christianity के लिए कब आए थे? A. किसके region में आए थे? A. चेरास, B. Parthians, C. Pandyas या D. Cholas. इसका सही है option B, Parthians. 13th question है, when was the All India Women Conference founded? All India Women Conference कब found हुई थी? तो इसका सही जवाब है option A 1924, option B 1925, option C 1926 या option D 1927. तो इसका सही जवाब है option D 1927. 14th question है, which is the most valuable ad tech company as of 2021 के वैल्यूबल ad tech company किसे घोषित किया गया है? A. Duolingo, B. Byju's, C. Unacademy या D. Coursera. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, Byju's. 15th है, द कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन. कुका मूवमेंट मिड 19th सेंचुरी में कहाँ शुरू हुआ था? A. वेस्टर्न पंजाब, B. महाराष्ट्र, सी बंगाल या डी मध्य भारत. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेस्टर्न पंजाब. 16 है, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल? ए. एनी बेसेंट, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. चित्तरंजन दास या डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस. 17th है, महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ. महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक किसे कहा था? ए. क्रिप्स मिशन को, ए. साइमन कमीशन को, बी. क्रिप्स मिशन को, सी. कैबिनेट मिशन को या डी. वेवल प्लान को. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन. 18th है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड इन 1934? किसके लीडरशिप में सोशलिस्ट पार्टी फाउंड हुई थी 1934 में? ए. जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, बी. आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी. सुभाष चंद्र बोस एंड पी. सी. जोशी, ऑप्शन डी. सैफुद्दीन किचलू एंड राजेंद्र प्रसाद. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण. 19th है, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ट देयर हाउस ऑफ. ए. पक्का ब्रिक्स, बी. स्टोन, सी. वुड या डी. ऑल ऑफ द अबव. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो अपना मकान ए. पक्का ब्रिक्स से बनाते थे. 20th है, इन विच स्टेट इज द मैकाला रेंज सिचुएटेड? मैकाला रेंज कहाँ है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. बिहार या डी. छत्तीसगढ़. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़. 21st क्वेश्चन है, नालामल्ला हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ. ए. उड़ीसा, बी. मेघालय, सी. आंध्र प्रदेश या डी. गुजरात. तो नालामल्ला हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश. 22nd है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ए. कोरल सी, बी. सोलोमोन सी, सी. बिस्मार्क सी या डी. एराफ्यूरा सी. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोरल सी. 23rd है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है? ए. मुंबई, बी. दिल्ली, सी. कोलकाता या डी. चेन्नई. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोलकाता. 24th है, वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? ए. भद्रावती, बी. भिलाई, सी. जमशेदपुर या डी. बुरनपुर. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर, जो कि जमशेद जी टाटा जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी. आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? ए. कोलंबस 1492, वास्को डिगामा 1498, मैगलिन 1521, बालबोआ 1531. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बालबोआ 1531. कोलंबस 1492 में अमेरिका, वास्को डिगामा ने 1498 में इंडिया और मैगलिन ने 1521 में फिलीपींस को डिस्कवर किया था, जबकि बालबोआ ने 1513 में पैसिफिक ओशन के रूट को डिस्कवर किया था. आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.